हेलो गाइस, आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर जो हम यूज करते हैं सर्किट में करंट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, जिसके अंदर 0, 30 और दोनों साइड 30-30 की डिफ्लेक्शन यहाँ पे ये शो करता है। लेफ्ट साइड, एक साइड से करंट फ्लो करेगा एक साइड में, तो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन जाएगी मान लिया, तो अगर करंट को रिवर्स कराते हैं तो दूसरी साइड में डिफ्लेक्शन जाएगी। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं और जब करंट फ्लो कराते हैं तो कैसे ये डिफ्लेक्शन हमें दिखा देता है, ठीक है। तो मैंने नीचे से इसको खोल लिया है, अब मैं आपको इसके स्क्रूज खोल के एक बार इसको दिखा देता हूँ जल्दी से। ये देखिए गाइज, मैं अब आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। ये यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ है ऊपर, और दोनों साइडों में ये आपकी कार्ड, ये आपको दिखाई दे रही होंगी जो सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप्स टाइप लगी हुई है। इससे क्या होता है, ये जो ऊपर मैग्नेट लगा हुआ था, इस मैग्नेट से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो वो इन सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू होती हुई यहाँ पे बीच में, जहाँ पे ये आपको कॉइल्स दिखाई दे रही होंगी, थोड़ा सा ठीक से दिखा देता हूँ। ये बीच का जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस के अंदर यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है ये, ठीक है। यहाँ पे एक चुंबक था और उससे दोनों तरफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बीच में प्रोड्यूस होता है। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसमें ठीक से। आपको अंदर की तरफ एक सिलेंड्रिकल कोर दिखाई दे रही होगी, ये देखो बीच में अंदर की तरफ एक सिलेंड्रिकल कोर, मैं खोल के भी दिखाऊंगा अभी आपको। और उसके ऊपर थोड़ा सा आपको देखो ब्राइट, थोड़ी सी चमकदार सी क्वाइल आपको इसमें दिखाई दे रही होगी, ये देखो रेक्टेंगुलर क्वाइल होती है हमारी, ये जो क्वाइल है ना अंदर ये वाली, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, वाउंडेड होती है, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम के ऊपर लिपटी होती है। जैसे कि अब मेटालिक यहाँ पे देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, जैसे आपका आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, इनमें से छोड़ के और कोई भी, जैसे एल्यूमिनियम का फ्रेम हमने बना लिया, उस एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर ये कॉइल लिपटी हुई होती है। मैं इसको एक बार आपको और पूरा खोल के और तब दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है। ये देखिए, ये फ्रेम हमने पूरा हटा दिया है, ये वो स्पेस था गाइस जिस स्पेस के अंदर यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ये रेक्टेंगुलर क्वाइल इसके बीच में मूव करती है तो हमेशा 90 डिग्री एंगल इसका रहता है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से दिखाता हूँ, ये जो बीच में स्पेस है यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, क्वाइल का प्लेन जो है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहता है, तो जो नॉर्मल जो रहेगा कॉयल का वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, जिससे मैक्सिमम फोर्स इसके ऊपर लगती रहेगी, या मैक्सिमम टॉर्क आप कह सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे टॉर्क लगता है। अब देखो ये है इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है ये चीज, ये है हमारा सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, सिलेंड्रिकल कोर हम यूज करते हैं इसमें, अगर हमारी कॉयल रेक्टेंगुलर है तो। ये देखो रेक्टेंगुलर शेप में लिपटी हुई है कॉयल, और अगर यहाँ पे हमने सर्कुलर शेप में अगर वाउंड की हुई है तब बीच में हमारा स्फेरिकल कोर होती है। ये किस लिए होती है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए ही होती है, इसमें से कॉयलें जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से पास होना चाहती हैं। अब होता क्या है, जो एक टर्मिनल यहाँ पे हमारा कनेक्ट है और एक ये इसकी बॉडी के साथ हम कनेक्ट करते हैं, जो कि यहाँ से होता हुआ आपको यहाँ पे स्प्रिंग दिखाई दे रहा होगा, एक स्प्रिंग, ठीक है। ये देखो ये स्प्रिंग लगा हुआ है और पिछली साइड भी एक स्प्रिंग लगा होता है इसमें, ये रहा यहाँ पे,
ये स्प्रिंग है गाइस। तो ये क्वाइल जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है इस क्वाइल के अंदर से और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये क्योंकि रखी होती है 90 डिग्री पे, इसका रहता है जो क्वाइल का नॉर्मल जो रहेगा इसके प्लेन का नॉर्मल, तो इस पे टोर्क लगता है और ये क्वाइल जो है रोटेट कर जाती है। जैसे ये इस तरीके से स्केल होता है, ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन में तो 0 पे रहेगी, लेकिन जैसे हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये लेफ्ट साइड या राइट साइड चली जाती है, ऐसे मूव करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बीच में ऐसे रहेगा। तो जैसे ही ये इस क्वाइल के अंदर ट्विस्ट आता है, डिफ्लेक्ट होती है ये क्वाइल, तो इस स्प्रिंग के अंदर, ये दोनों साइड स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, इन दोनों स्प्रिंग्स के अंदर ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक है, ये थोड़े से स्प्रिंग जो है घूम जाएंगे, बेंट हो जाएंगे। अब उसकी वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे आ जाएगा, जो जैसे ही करंट को ऑफ करेंगे वापस इसको 0 पे ले आएगा। देखो अब ये 0 पे है, तो जैसे ही मान लिया करंट फ्लो कराया, ये एक साइड डिफ्लेक्ट हो गया, छोड़ते ही ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको थोड़ा सा फंस गया गाइस कहीं, हाँ, छोड़ते ही क्या होगा, वापिस उसी में आ जाएगा। एक चीज इसमें सेंसिटिविटी के बारे में होती है गाइस कि यूनिट करंट जैसे फ्लो कराते हैं तो कितने डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो सेंसिटिविटी के वो बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि ये जो क्वाइल है इसका एरिया आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उससे साइज इसका थोड़ा बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ा सकते हैं हॉर्स शू टाइप मैग्नेट यूज करके, या जो ये स्प्रिंग्स लगे हैं दोनों साइड, ठीक है, ये एक स्प्रिंग लगा है और आगे भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है इसमें, ये स्प्रिंग्स जो है आप फॉस्फर ब्रोंजे के यूज कर सकते हैं। एक तरीका और है जिससे आप इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, वो है ये जो कॉइल बाउंडेड है, यहाँ पे बहुत बारीक सी वायर लिपटी हुई है, ये नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम जो था इस पे, इसको इसके नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा देते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसके अंदर बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो करता है गाइज, ये डिफ्लेक्शन जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी दिखाएगा ना, 30 डिफ्लेक्शन भी मान लिया ये दिखा रहा है, तो 10^5 में इतने एम्पियर के आसपास जो है करंट इसमें रहता है, बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो करता है। तो करंट मेजर करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमें इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये जो दो वायर्स थे इसके दो टर्मिनल्स थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसके पैरेलल में एक वायर और जोड़ देंगे एमीटर बनाने के लिए, ठीक है, डिजायर्ड रेंज का। उसके लिए हम सोल्व करके फॉर्मूला निकालते हैं, वो आज मैं नहीं कराऊंगा आपको अभी, वो किसी और वीडियो में कराऊंगा। और अगर आप इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब आपको इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। ये हमारे पास देखो, मैं एक और भी मेरे पास बड़ा है प्रिंटर सा डेमोन्स्ट्रेशन में, तो मैं उसकी हेल्प से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डेमोन्स्ट्रेशन मीटर है, वोल्ट मीटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर के रूप में हम इसका यूज करते हैं। इसमें भी वही सिस्टम लगा हुआ है, देख सकते हो, मैं एक बार थोड़ा सा अल्ट्रा मोड पे चालू कर देता हूँ कैमरे को। चलो मैं थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ यहाँ से आपको। ये देखिए, यहाँ पे इसमें ये स्केल रहता है वोल्ट मीटर या एमीटर के लिए, अलग अलग स्केल हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये नीचे स्क्रू दे रखा है 0 सेट करने के लिए इसका। अब इसकी कंस्ट्रक्शन मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ एक बार जूम करके बीच वाले पोर्शन पे। ये देखो, स्प्रिंग यहाँ पे आपको इसमें दिखाई दे रही होगी, ये जो स्प्रिंग है अंदर लिपटी हुई है ऐसे, ये हमारी कॉइल है जो नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम पे लिपटी हुई रेक्टेंगुलर कॉइल, ये बीच की कोर है और यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेट लगा है। बैक साइड से एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो, ये इसमें आपको स्प्रिंग दिखाई दे रही है, ये वो कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रहती है जो इसका नॉर्मल होता है, ताकि इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगता रहे। तो ये था गैल्वेनोमीटर के बारे में।